चुकी है, बट नकुल ही शोज नो रिमोर्स एट ऑल, डायरेक्ट जाके रैमिन करेंगे प्लेस के बीचों बीच। ये यहाँ पे घुसना चाहते हैं, ऑलरेडी शॉट्स उनके तरफ निर्धारित किए गए हैं। अपोलो का सामना होता हुआ, इनफैक्ट आदित्य हो जाएंगे नॉक, एंड देखते ही देखते यहाँ पे ट्रेड्स भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट रॉनी को नॉक किया गुजरात टाइगर्स के एमजे ने, एंड आईकू सोल ये यहाँ पे टूट पड़ना चाहते हैं गॉडलाइक के ऊपर। अपोलो और जेली एक साथ ये घुसना चाहते हैं, ये फाइट के अंदर एंगेज इन करना चाहते हैं, बट नकुल वहां पे नॉक करते हुए एक और खिलाड़ी को। अपोलो और जेली देखना यही रहेगा कि इस सिचुएशन में वो किस तरीके से अपने आप को अप्रोच करवाते हैं। ट्राई करना पड़ेगा किसी तरीके से रॉनी पाजी को, अगर वो जीवित कर देते हैं तो थोड़े से फायदेमंद रहेंगे। हल्का सा ये फाइट रीसेट जरूर हुआ है, नकुल इंस्टेंट पैचअप करना चाहेंगे, वापस से इस फाइट के अंदर मंझना चाहेंगे। गॉडलाइक ये दो स्तंभ किस तरीके से संभालते, बट नकुल को देखिए इंस्टेंट रिपोजिशन करेंगे, बट इस बार भी वो नीड का कुछ खास डैमेज लग नहीं पाएगा। अपोलो गोज डाउन, मोलोटोव से बहुत ज्यादा डैमेज मिल सकता है, बट जली के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है, एक आध फिनिश तो वो लेके ही जाएंगे। रॉनी को फिनिश ऑफ जरूर से किया गया है। आईकू सोल डाउन टू थ्री राइट नाउ, 1v3 का सिचुएशन। जली क्लच करना असंभव तो नहीं है बट मुश्किल जरूर रहेगा, बट नकुल के शॉट्स के आगे मुश्किल आ सकता है, बट जली गेट्स वन मोर डाउन। बट वो फिनिश करने से पहले जोकर का यहां कवर फायर आएगा आईकू सोल के आगे, गॉडलाइक यहां पे बाहर होती हुई नजर आएगी। दो फिनिश बट WSB इनके पास नंबर्स नहीं है, जल्द से जल्द अपने टीममेट को रिवाइव करना पड़ेगा। नकुल भी वहां पे डाउन हो चुके हैं और एस पावर दूसरे छोर में फाइट ले रहे हैं रेकनिंग के खिलाफ। पांच नीज उनके पास मौजूद है, कांस्टेंट एक प्रेशर बना के रखना चाहते हैं। रेकनिंग के खिलाड़ी अगर वहां से एडवांस किए तो मुश्किल में जरूर आ सकते हैं। एसपावर बाग आगे बढ़ना जरूर नहीं चाहते, बट वो जो फिनिशेस मिल रहे उससे जरूर से खुश रहेंगे। इस वक्त अगर बात करते पंक, उनको फिनिश ऑफ जरूर से किया गया एसपावर के द्वारा, बट आखिरी जो वो खिलाड़ी है उसके ऊपर ही फोकस रहेगा। हंटर्स कितनी देर तक बच पाएंगे, टीम फर्स्ट एड है बट वो बचने से पहले ही एसपावर के हाथों फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा। टीम आईकू सोल सात फिनिशर्स उनके पास जरूर आ चुके, बट WSB रेडिन का जो नजर है वो रहेगा यहाँ जोकर के ऊपर, एंड इंस्टेंट नीट के चलते नॉकआउट जरूर किया जाएगा, एंड फिनिश ऑफ भी शायद से वो कर देंगे। एस पावर बचेंगे वो आखिरी खिलाड़ी जिनके कंधों में वो पूरी उम्मीद रहेगी, एंड वो फिनिशिंग टच भी लेके आएंगे। आठवां फिनिश पॉइंट आईकू सोल के लिए, एंड WSB बन चुके हैं बाहर।